प्यारे बच्चों आपका बहुत स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें एल्कोहल फिनॉल पूरा खत्म हो चुका था। पिछले वीडियो में मैंने ईथर की प्रिपरेशन भी पढ़ा दी थी और उसकी रिएक्शन विद O2 भी करा दी थी। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, आगे चले तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर टॉपिक है। उसमें सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद HCl ऑब्लिक H2SO4। इन्हें मिनरल एसिड भी कहते हैं, मिनरल एसिड, या इस रिएक्शन को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट बात करें बोर्ड IIT और नीट के हिसाब से, बोर्ड IIT नीट के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट बात करें आप लोग। हाँ जी, हो गया। आगे चले, आपने लिया डाइथाइल ईथर C2H5O C2H5। याद रखना ईथर पे दो लॉन पेयर होते हैं, लेकिन वो एक टाइप पर अपना एक लॉन पेयर ही यूज करता है। दो लॉन पेयर है लेकिन दोनों लॉन पेयर खर्च नहीं करता है, एक ही लॉन पेयर उसमें से खर्च करता है। तो देखो आपने लिया डाइथाइल ईथर, इसकी रिएक्शन कराई HCl से। HCl को मन में क्या माना, H+Cl दो इलेक्ट्रॉन माइनस। HCl को मन में ऐसे मान लो और करके H+Cl दो इलेक्ट्रॉन माइनस। अब क्या होगा, एक लॉन पेयर से ये बॉन्ड बनेगा O और H में, H का प्लस O पे जाएगा तो ये बन जाएगा C2H5 O। O पे दो लॉन पेयर है ना, एक इस वाले लॉन पेयर से S से बॉन्ड बन गया ये वाले से, और ये इसका प्लस का चला गया O पर, और जो Cl है वो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, Cl दो इलेक्ट्रॉन माइनस। अब इसका नाम है डाई इथाइल ऑक्सोनियम, क्या नाम है, डाई इथाइल ऑक्सोनियम फ्लोराइड, डाई इथाइल ऑक्सोनियम फ्लोराइड। नोट करें क्या बना, डाई इथाइल ऑक्सोनियम फ्लोराइड। नोट करें, हाँ जी हो गया, नोट हो गया, जल्दी करें, डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। अब अगर यही ये रिएक्शन H2SO4 के साथ हो तो C2H5 O। H2SO4 को मन में मानो या तो H2SO4, या मन में मानो H+HSO4 दो इलेक्ट्रॉन माइनस, ऐसे मन में मान लो टूटा हुआ। अब बताओ क्या होगा, पहले की तरह इन दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा और ये प्लस O के ऊपर आएगा तो C2H5 ये दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया, प्लस O के ऊपर आ गया, बाहर बचा आपका HSO4 दो इलेक्ट्रॉन माइनस। अब नाम इसका भी रखो, बोलो डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये बन गया डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये हो गया। तो कभी भी ईथर है वो HCl और H2SO4 जैसे मिनरल एसिड से रिएक्शन करके ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट। HCl के साथ जो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाता है उसका नाम है डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, और H2SO4 के साथ जो बना रहा है उसका नाम है डाइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। नोट करें जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से भी और IIT और नीट के हिसाब से भी। बोर्ड के हिसाब से ये 3 स्टार है और IIT और नीट के हिसाब से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो नोट करें बच्चों जल्दी से। हाँ जी हो गई, नोट हो गई, आगे चले नेक्स्ट नंबर 3rd पे आ जाए।
नेक्स्ट नंबर थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ इथरेट या रिएक्शन विद लुईस एसिड. फॉर्मेशन ऑफ इथरेट या रिएक्शन विद लुईस एसिड थर्ड नंबर है. देखिए भाई, फॉर्मेशन ऑफ इथरेट या दूसरा नाम है रिएक्शन विद लुईस एसिड. रिएक्शन विद लुईस एसिड. लुईस एसिड वो होते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है और वो लॉन पेयर बाहर से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उन्हें बोलते हैं लुईस एसिड. जो बाहर से लॉन पेयर लेना चाहते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है उन्हें लुईस एसिड कहते हैं. एग्जाम्पल BF3, ग्रिग्नार्डीजेंट, AlCl3, ये सब लुईस एसिड है. ठीक, तो आपने लिया देखो डाइथाइल ईथर, इस पर कितने लॉन पेयर हैं? दो. पास में लाए BF3 जो कि क्या है? लुईस एसिड. अब पहले मैं आपको ये समझा दूं BF3 लुईस एसिड क्यों है. लुईस एसिड वो होता है जो लॉन पेयर को बाहर से लेता है, एक्सेप्ट करता है. लुईस एसिड वो होता है जो लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, स्वीकार करता है. एक्सेप्ट की हिंदी स्वीकार करना, लेना, स्वीकार करना है ना. तो जो बाहर से लॉन पेयर ले उसे बोलते हैं लुईस एसिड. अब आता ही लुईस एसिड ये है क्यों. देखो बी के लास्ट शेयर में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, बी का नंबर है 5, 2.3. तो बी के लास्ट शेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3. उनने वो 3 इलेक्ट्रॉन एफ से शेयर करके BF3 बनाया. 3 इसके थे, 3 शेयरिंग से मिले, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6. अभी भी 8 नहीं है, 8 करने के लिए एक पेयर की जरूरत है. तो वो पेयर ये लेगा कहां से? ईथर से, ये वाला पेयर. तो इसलिए इसे बोला गया लॉन पेयर एक्सेप्टर, लॉन पेयर लेने वाला. तो दे दीजिए भाई लॉन पेयर, बोलो क्या बनेगा? C2H5. O पे कितने लॉन पेयर हैं? 2. एक उनने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर किसको दे दिया? BF3 को. ये प्रोडक्ट बन जाएगा. एक लॉन पेयर उसने किसको दे दिया? BF3 को. ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इसका नाम है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट, यानी कि BF3 का ईथरेट. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3 ईथरेट, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट. ये नोट करें. अब हमें लुईस एसिड में दो से रिएक्शन दिखानी थी, एक तो BF3 से और एक ग्रिग्नार्डीजेंट से CH3MgBr से. हमने BF3 से तो रिएक्शन दिखा दी, अब हमें दिखानी है CH3MgBr से. तो अब अगली रिएक्शन दिखाने के लिए जगह खाली कर रहे हैं, हटा दें स्पेस ये. ठीक, अब अगला करें, किससे कर रहे हैं आप? अगला बना रहे हैं हम इसका ग्रिग्नार्डीजेंट से. तो देखो ये डाइथाइल ईथर लिया, दो लॉन पेयर है इस पर, साथ में ले लिया ये वाला, ले लिया आपने, और साथ में आपने लिया CH3MgBr. क्या लिया? CH3MgBr और दूसरा ग्रिग्नार्डीजेंट की यूनिट ली C2H5O, ये दूसरी यूनिट ले ली आपने ग्रिग्नार्डीजेंट की. अब अगर ये दो यूनिट है ग्रिग्नार्डीजेंट की, और इसमें ध्यान दें ग्रिग्नार्डीजेंट ये रहा और ये दो यूनिट है ईथर की, ये ग्रिग्नार्डीजेंट है और ये दो यूनिट है ईथर की. किसकी दो यूनिट है? ईथर की. रिएक्शन होगी C2H5 O. ये रहा, अब ये O अपना एक लॉन पेयर देगा इस CH3MgBr को. किसको? CH3MgBr को. तो बेटा इसको ऐसे लिखा CH3MgBr, ऐसे करके इसका एक लॉन पेयर देखो किसको दे दिया? Mg को. ऐसे ये दूसरी यूनिट लिखी C2H5O C2H5, एक लॉन पेयर इसका इसको दे दिया. क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? ये क्या है? ईथर, फर्स्ट यूनिट ईथर, सेकंड यूनिट GR की एक यूनिट. ये क्या ईथर की? क्या फर्स्ट यूनिट? ये क्या ईथर की सेकंड यूनिट?
और ये जी आर है। अब जरा ध्यान दो, एमजी का नंबर होता है 12, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो, दो शेयरिंग करने से हो गए चार। भाई लास्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, दो इनने शेयर किए, एक CH3 से एक BR से, तो इसके लास्ट शेल में हो गए चार, और करने कितने होते हैं आठ, करने कितने हैं आठ, है कितने चार। बेटा एमजी का नंबर 12 है ना, 282, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, उन दो इलेक्ट्रॉन में से एक उनने BR से शेयर किया, एक मिथाइल ग्रुप से शेयर किया, तो शेयरिंग से दो और बढ़ गए, तो दो थे दो बढ़ गए, टोटल कितने हो गए चार, करने कितने हैं आठ। एक लॉन पेयर इस यूनिट ने दिया, एक लॉन पेयर इस यूनिट ने दिया, ये वाला लॉन पेयर इसने दिया है, ये वाला लॉन पेयर इसने दिया एमजी को। तो देखो इस पे थे दो, शेयरिंग से एक मिला तीन, एक यहां से मिला चार, दो यहां से मिले छह, दो यहां से मिले आठ, इसके आठ हो गए। अब आप कहोगे सर इस ईथर यूनिट पर दो लॉन पेयर है, मैंने आपको बताया हर ईथर यूनिट पर दो लॉन पेयर होते हैं, लेकिन वो अपने दो में से एक लॉन पेयर ही देती है, एक लॉन पेयर देती नहीं है। तो ये बन गया आपका, ये प्रोडक्ट है आपका। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ये, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट ईथरेट, क्या नाम पड़ा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट ईथरेट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का ईथरेट बन गया, नोट कर लें ये जल्दी से, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट का क्या बन गया, ईथरेट, नोट कर लें। इस तरीके से आपने अभी देखा कि जब ईथर HCl H2SO4 एसिड से रिएक्शन करता है तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाता है, लेकिन जब ईथर लुईस एसिड से रिएक्शन करता है लाइक BF3 ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो फिर वो ईथरेट बनाता है, यानी मिनरल एसिड के साथ ऑक्सोनियम सॉल्ट और लुईस एसिड के साथ ईथरेट। ये रिएक्शन भी आईडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करें, हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है ईथर की। अब नेक्स्ट रिएक्शन ईथर की जो एम्स और नीट में बहुत पूछी जाती है, और ये रिएक्शन याद रखना, एम्स नीट के अलावा बोर्ड और आईआईटी सभी में इंपॉर्टेंट है, जो रिएक्शन आज करा रहा हूं, या एक मैंने ईथर की रिएक्शन कराई थी रिएक्शन विद O2 वाली। अब चले फोर्थ नंबर रिएक्शन विद Cl2, रिएक्शन विद Cl2 में दो पार्ट है, पहला इन डार्क यानी अंधेरे में, दूसरा इन सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी में, अलग अलग रिएक्शन होती है। इसे मान लो फोर्थ का ए, इसे मान लो फोर्थ का बी, तो फोर्थ का ए इन डार्क, डार्क में रिएक्शन कैसे होगी, आपने लिया CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस Cl2 और यहां पे लिख दिया डार्क, पहले ये वाला एच हटेगा, ये O के पास है ना, इस वाले कार्बन का एच हटाकर Cl आएगा, तो CH3 CH Cl O CH2 CH3, HCl बाहर निकल गया, ये इसका एच हटकर क्या आ गया Cl, इसका एच हटकर क्या आ गया Cl, HCl बाहर निकल गया। अब जो ये चीज बनी है दोबारा रुकेगी नहीं, एक बार और करेगी डार्क में, अब ये वाला एच हटके Cl आएगा, तो CH3 CH Cl O CH Cl CH2, फिर बाहर क्या निकल जाएगा पहले की तरह ही HCl, नोट करें, पहले O के पास वाला कार्बन जो होता है ये अल्फा, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा डैश और ये बीटा डैश है, तो पहले अल्फा का एच हटेगा Cl आएगा, फिर अल्फा डैश का एच हटेगा Cl आएगा, तो रिएक्शन दो स्टेप में होगी, पहले अल्फा का एच हटेगा फिर अल्फा डैश काटेगा, नोट करें जल्दी से, अल्फा काटेगा फिर अल्फा डैश काटेगा, नोट करें जल्दी से भाई, टाइम ना लगाएं, हाँ भाई नोट कर लिया, हो गया भाई। अब इसका नाम क्या होगा बताओ, नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम क्या पड़ेगा, अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर, इसका अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाइथाइल ईथर, तो इसका नाम क्या पड़ा बोलो, अल्फा क्लोरो, अल्फा कार्बन पे क्लोरीन है, अल्फा क्लोरो डाई इथाइल ईथर,
अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर, इसका नाम क्या पड़ेगा? अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाइथाइल ईथर। अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर, इसका अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाइथाइल ईथर, ये इनके नाम पड़े। तो अगर हम Cl2 से रिएक्शन कराएं डार्क में, तो पहले अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अटके Cl आता है, फिर अल्फा डैश कार्बन का हाइड्रोजन अटके Cl आता है, और ये दो प्रोडक्ट बनते हैं एक एक करके। अब अगर हम ले लें सनलाइट, क्या ले लें? सनलाइट, तो क्या होगा? अगर आप सनलाइट ले लेंगे तो फिर ईथर के सारे हाइड्रोजन हटकर Cl आएगा, ईथर के सारे हाइड्रोजन हटकर Cl आएगा। यह फोर्थ का भी इन सनलाइट, अगर आपने सनलाइट ले ली तो क्या होगा बच्चों? देखें, ये ईथर CH3CH2O CH2CH3, अब कितने एचे? तीन, दो पांच, दो सात और तीन दस, तो दस Cl2 ले लो। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत तेज होती है, दसो एच अटके Cl आएगा। करो CH3 की जगह CCl3, CH2 की जगह CCl2, O CCl2 CCl3, दसो एच अटके, दसो जगह क्या आ गया? Cl। अब दस Cl आ गए, थे कितने? बीस, बीस में से दस Cl यहां आ गए, बचे कितने? दस। जो दस Cl बचे दस एच के साथ मिलकर टेन एच Cl। इस कंपाउंड का नाम है पर क्लोरो, यानी प्रत्येक कार्बन पे क्लोरीन है, पर मैंने प्रत्येक, क्लोरो मैंने क्लोरीन, प्रत्येक कार्बन पे क्लोरीन है, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, यानी हर कार्बन ही क्लोरीन वाला हो गया, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, प्रत्येक कार्बन पे क्लोरीन है ऐसा ईथर, तो प्रोडक्ट बना पर क्लोरो डाइथाइल ईथर। तो आपने देखा अगर सनलाइट ना हो, डार्क हो, तो पहले अल्फा हाइड्रोजन अटता है, फिर अल्फा डैश हाइड्रोजन अटता है, और दो प्रोडक्ट बनते हैं एक एक करके। पहले बनता है अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर, फिर बनता है अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर। लेकिन अगर सनलाइट हो तो रिएक्शन बहुत तेज होती है, इतनी तेज होती है कि दसों एच हटके दसों जगह Cl आ जाता है, हर जगह Cl का है जलवा, सब जगह से एच हटा दिए, सनलाइट ने इतनी एनर्जी दी कि दसों एच हटके दसों जगह Cl आ गए। ये है इन सनलाइट, ओके रहा, हटाओ इसे, आगे चलते हैं। कितना नंबर हो गया? फोर। फोर नंबर कैसे हुए बच्चों, बताओगे? पहला था, बोलो पहला क्या था? रिएक्शन विद O2 या फॉर्मेशन ऑफ परोक्साइड, जो पिछले वीडियो में था, आज के वीडियो में था रिएक्शन विद HCl / H2SO4, मिनरल एसिड या फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, है ना। तीसरा था रिएक्शन विद लुईस एसिड यानी कि BF3 ग्रिग्नार्ड एजेंट या फॉर्मेशन ऑफ ईथरेट। चौथा था रिएक्शन विद क्लोरीन, जिसमें दो पार्ट हो गए थे, ए इन डार्क, बी इन सनलाइट। डार्क में अल्फा और अल्फा डैश कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था Cl से, और सनलाइट में हर हाइड्रोजन हटकर हर जगह Cl का जलवा आ गया। अब पांचवा नंबर है रिएक्शन विद PCl5। फिफ्थ नंबर है रिएक्शन विद PCl5। चलिए भाई शुरू करिए रिएक्शन विद PCl5। आपने लिया डाइथाइल ईथर C2H5O C2H5 प्लस PCl5। PCl5 एक चीज जरूर बनाता है, वो है POCl3। बताओ क्या अंतर है? POCl3, कितने Cl बच गए? दो। अरे Cl पांच थे ना, तीन रह गए, ओ ये वाला हट ही गया POCl3 बनाने में, तो पांच में से तीन Cl रह गए, कितने Cl बचे? दो। एक इसे मिलेगा, एक इसे मिलेगा, एक इसे मिला, एक इसे मिला, तो क्या बन जाएगा? C2H5Cl प्लस C2H5Cl, ये बन गया। कोई बच्चा कहे कि C2H5Cl दो बार लिख दो इकट्ठा मिलाकर, तो हाँ लिख सकते हैं, प्लस ऐसे लिख दो, तो चाहे तो आप ऐसे अलग अलग लिखे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को मिलाकर एक साथ लिख दें, तो ये प्रोडक्ट बना रिएक्शन विद PCl5 में, रिएक्शन विद PCl5 में ये प्रोडक्ट आपका बन गया। अरे हाँ या ना है, नोट कर लिया? अब नेक्स्ट चलेगा रिएक्शन विद, पांचवा पूरा हो गया, नेक्स्ट नंबर है रिएक्शन विद HI, सिक्स नंबर।
रिएक्शन विद एच आई में फिर दो पार्ट हो जाते हैं, ए व्हेन एच आई नॉट इन एक्सिस, व्हेन एच आई नॉट इन एक्सिस, जब एच आई एक्सिस में नहीं है तो उसका एक मोल खर्च होगा, कितना, एक मोल। दूसरा व्हेन एच आई इज इन एक्सिस, जब एच आई एक्सिस में है तो उसका एक नहीं दो मोल खर्च कराएंगे, कितने, दो। अब रिएक्शन कैसे बनेगी देखें, इसको मान लो दो पार्ट हैं, है ना, तो दोनों पार्ट में से करना शुरू कर रहे हैं, दो पार्ट कर ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं सिक्स का ए, इसको मान ले रहे हैं सिक्स का बी, ठीक, करना शुरू करिए। देखें भाई पहला पार्ट सिक्स का ए, एच आई नॉट इन एक्सिस, आपने लिया सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव प्लस एच आई, साफ नजर आ रहा है सी टू एच फाइव ओ एच सी टू एच फाइव आई, तो क्या क्या बन जाएगा, सी टू एच फाइव ओ और यहां से एच लिया ओ एच और सी टू एच फाइव आई, तो आपका प्रोडक्ट बना एल्कोहल, इसका नाम है इथाइल एल्कोहल प्लस इथाइल आयोडाइड, तो एल्कोहल और हेलो एल्किन बना, एल्कोहल बना और क्या बना, हेलो एल्किन ये बना, तो प्रोडक्ट क्या बना, इस केस में प्रोडक्ट क्या बना, एल्कोहल प्लस हेलो एल्किन या हेलो एल्किन की जगह लिख सकते हो आइडो एल्किन, क्योंकि हेलोजन आई है, तो एल्कोहल प्लस आइडो एल्किन प्रोडक्ट बना जब एच आई एक्सिस में नहीं है, एक्सिस में नहीं है तो इसके कितने मोल लिए हैं, वन। अब बात आती है अगर ये एक्सिस में होता तो क्या करते सर आप, तो इसके एक की जगह दो मोल लेते, कितने मोल लेते, दो, तो सिक्स का भी व्हेन एच आई इज इन एक्सिस करो भाई, सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव प्लस टू एच आई, अब क्या होगा, अब ये वाला 2H और ये O मिलकर पानी बाहर निकल गया, अब क्या बचे, दो आई बचे, एक आई इसे एक इसे, तो ये बन गया 2C2H5I, O और H2 मिलकर H2O और दो आई बचे एक इसे एक इसे, तो इसमें प्रोडक्ट क्या होना, इसमें प्रोडक्ट बना 2 मोल्स ऑफ आइडो एल्किन, 2 मोल्स ऑफ आइडो एल्केन, प्रोडक्ट क्या बना, 2 मोल्स ऑफ आइडो एल्केन बन गया, क्या बना, 2 मोल्स ऑफ आइडो एल्केन बन गया इसमें प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमें साफ नजर आ रहा है कि अगर हम एच आई एक्सिस में नहीं लेते हैं तो एक मोल यूज होगा और प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल एक मोल और एक मोल आइडो एल्केन, तो जब एच आई एक्सिस में नहीं है तो एच आई का एक मोल लिया जाएगा और दो प्रोडक्ट बनेंगे एल्कोहल प्लस आइडो एल्केन, लेकिन जब एच आई एक्सिस में है तो उसका एक की जगह दो मोल लिया जाएगा, एक की जगह उसका दो मोल लिया जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा दो मोल आइडो एल्केन, क्या बनेगा, दो मोल आइडो एल्केन। तो प्यारे बच्चों आज आपने ईथर की कई इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी इस वीडियो में, पहली पढ़ी रिएक्शन विद HCl और H2SO4 या फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, अगली पढ़ी आपने रिएक्शन विद लुईस एसिड लाइक BF3 ग्रिग्नार्ड एजेंट या फॉर्मेशन ऑफ ईथरेट, अगली रिएक्शन पढ़ी आपने रिएक्शन विद Cl2, उसमें दो पार्ट हो गए थे इन डार्क और इन सनलाइट, डार्क में अल्फा और अल्फा डैश हाइड्रोजन हटकर Cl आता है और सनलाइट में सारे हाइड्रोजन हटकर Cl आता है और पर क्लोरोडाइथाइल ईथर प्रोडक्ट बनता है। फिर उसके बाद हमने रिएक्शन पढ़ी PCl5 और लास्ट पढ़ी अपन ने रिएक्शन विद HI आज के वीडियो में। अभी ईथर की रिएक्शन और बची है लेकिन आज के वीडियो को यहां पे खत्म कर रहे हैं। HI में भी दो पार्ट हो गए थे, जब वो एक्सिस में नहीं है और जब वो एक्सिस में है, जब वो एक्सिस में नहीं है तो उसका एक मोल यूज होगा और जब वो एक्सिस में होगा तो उसके दो मोल यूज होंगे, ठीक है। अब इसके आगे के लिए जो आगे का ईथर का पार्ट बचा है
वो अब थोड़ा सा ही बचा है, उसे कंप्लीट करते ही ईथर कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ईथर का बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, कल वाले वीडियो में। तब तक के लिए वेट करें, उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ईथर पूरा समझ में आया होगा। बाय।